हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जोधपुर में बनाई जा रही स्पिरिट से नकली शराब, ब्रांडेड अंग्रेजी शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी, तस्कर फरार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह नगर जोधपुर शहर में इन दिनों स्पिरिट से नकली शराब बनाने का कारोबार जोरों से चल रहा है। कुछ दिन पहले ही आबकारी विभाग ने स्पिरिट से नकली शराब बनाए जाने का कारखाना पकड़ा था। अब जोधपुर कमिश्नरेट की कूड़ी पुलिस ने झालामन बाईपास पर रिंग रोड बनाने वाली कंपनी के अस्थाई गोदाम के पीछे भूखंड से नकली अंग्रेजी शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है। हालांकि तस्कर पकड़ में नहीं आ पाए, लेकिन मौके से स्पिरिट निर्मित नकली अंग्रेजी शराब से भरे 24 कार्टन, स्पिरिट से भरे 2 ड्रम व शराब बनाने की अन्य सामग्री जब्त की गई है। पुलिस उपायुक्त पश्चिम आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि झालामन बाईपास पर एक पेट्रोल पंप व आवासीय कॉलोनी के पास भूखंड में स्पिरिट से नकली शराब बनाए जाने की फैक्ट्री के संचालित होने की सूचना मिली। सहायक पुलिस उपायुक्त बोरानाडा मांगीलाल के नेतृत्व में थाना अधिकारी जुल्फिकर अली व SI साहब सिंह ने भूखंड में दबिश दी। तलाशी लेने पर भूखंड पर बने कमरे में स्पिरिट निर्मित ब्रांडेड नकली शराब से भरे 24 कार्टन जब्त किए गए। साथ ही 50-50 लीटर स्पिरिट से भरे 2 ड्रम और पानी मिश्रित स्पिरिट से भरे कुछ अन्य शराब की खाली बोतलें, कार्टन, लेबल व ढक्कन, कलर व एसेंस आदि भी जब्त किए गए हैं। पुलिस कार्रवाई से पहले शराब तस्कर मौके से भाग निकले। मौके से कुछ आधार कार्ड व परिचय पत्र मिले हैं, जिनके आधार पर जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि फैक्ट्री में स्पिरिट में पानी, कलर व एसेंस मिलाकर नकली शराब बनाई जा रही थी। उसे अंग्रेजी शराब के 2 ब्रांड वाली बोतलों में भरी जाती थी, उन्ही ब्रांड वाले कार्टन में पैक कर नकली शराब बेची जा रही थी। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से मुकेश शीमर की रिपोर्ट।